स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब इज माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप इज यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी स्मॉल टू बी व्यूड विद आवर नेकेड आई. द मिनिमम द साइज दैट वी कैन सी विद आवर नेकेड आई इज 0.1 millimeter, बट वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर स्मॉलर देन दिस साइज. तो इन छोटे छोटे माइक्रोब्स को पहले नहीं देखा जा सकता था. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन्वेंशन करी माइक्रोस्कोप की, और उसके बाद से फिर जो माइक्रोबियल वर्ल्ड था ये दिखने लग गया. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप. सो देर आर टू माइक्रोस्कोप्स हेयर. वन इज़ अ ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप. इट इज़ कॉल्ड ट्राइनोकुलर बिकॉज इट हैज़ 3 eyepieces. वन आईपीस इज़ हेयर, एंड जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इसके अंदर एक सिंगल आईपीस होता है. इसको एक ही जगह से आप व्यू कर सकते हो. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टूडेंट माइक्रोस्कोप. सो फर्स्ट पार्ट इज़ द आईपीस. दिस इज़ द आईपीस लेंस. वी कैन सी द मैग्निफिकेशन रिटन ऑन दिस. इट इज़ अबाउट 10x. इसका मतलब होता है कि ये किसी चीज़ को 10 गुना बड़ा कर सकता है. सो दिस इज़ द ट्यूब. दिस इज़ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये. इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं. अलग अलग इनकी मैग्निफिकेशन वैल्यू है. हम देख सकते हैं पहले जो लेंस की मैग्निफिकेशन वैल्यू है, दिस इज़ 45x. और जो दूसरा लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन वैल्यू है 10x. सो टोटल जो मैग्निफिकेशन है पूरे माइक्रोस्कोप की, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो 10 into 10, it give us about 100x. And if we multiply the 10 with 40x objective, then the value is 400x. So ऐसे ही अगर हम इसमें बात करें दूसरे माइक्रोस्कोप में, इसके अंदर भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो 10x के हैं. एक इसमें ऑब्जेक्टिव लगा रखा है 15x का है ये. और जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस हैं वो इसके अंदर जो मेन है एक ये 4x का है, ये 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये 40x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस है. सो 100 ऑब्जेक्ट का जो 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके लिए हमें एक स्पेशल ऑयल की यूज़ ज़रूरत पड़ती है. इसका नाम है सिडार वुड ऑयल. सो इसमें अगर हमने कुछ विजुलाइज करना है, सो वी हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सिडार वुड ऑयल ऑन द स्लाइड. दिस इज सिडार वुड ऑयल. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिडार वुड. तो अब हम इनके और बाकी पार्ट्स के बारे में पता करेंगे. दिस इज़ द स्टेज. स्टेज के ऊपर अपनी जो भी स्लाइड आपने विजुलाइज करनी है उसको रखा जाता है. दिस इज स्लाइड. दीज आर द एडजस्टिंग स्क्रूज. दिस इज कोर्स एडजस्टिंग स्क्रू. ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है, फोकस में लाने के लिए जो भी हमारा जिसको भी हम देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को. और ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है. ये बिल्कुल फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ होता है. इसके बाद ये कंडेंसर लेंस है. यहाँ पर ये जो लाइट नीचे से आ रही है उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है. अब हम इसको नीचे देखेंगे क्या क्या पार्ट हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ द मिरर. ये दोनों तरफ से अलग अलग होता है. एक तरफ से ये कनकेव होता है और दूसरी तरफ से फ्लैट मिरर होता है. तो अगर हमें थोड़ी लाइट चाहिए तो हम फ्लैट सरफेस को यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो हम कनकेव सरफेस को यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारा आता है डायफ्राम. दिस इज़ डायफ्राम. तो डायफ्राम का जो काम होता है वो होता है कि कितनी लाइट को अंदर आने देना है. ये ब्राइटनेस को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्लाइड की. इसके बाद इसके अंदर एक लेंस लगा होता है, उसको हम कंडेंसर लेंस कहते हैं. बीच में लगा हुआ है, ऊपर से भी दिख जाता है. कंडेंसर का काम होता है जो नीचे से लाइट वेव्स आई उनको स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करते हैं. उसके बाद लाइट बीम आपका ऑब्जेक्टिव के थ्रू आईपीस में जाती है और आईपीस से फिर आई के अंदर चली जाती है. इसके अलावा जो ये इसका बेस है ये जो, और ये आर्म है इसकी. सो ये आपका स्टूडेंट माइक्रोस्कोप हो गया. इसकी सारी फंक्शनिंग मैंने आपको बताई है.
बिल्कुल सेम इसी जैसा ये माइक्रोस्कोप है। इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, इसके अंदर जो लाइट की सोर्स है उसके लिए इसके अंदर एलईडी दी गई है, एलईडी है बीच में इसमें दी हुई। इसको हम ऑन करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज़ लाइट सोर्स। तो ये कवर है लाइट का, इससे ये फैल जाते, डिफ्यूज़र लगा हुआ है। इसके बाद इसके अंदर भी नीचे इसके अंदर डायफ्राम भी है, ये इसका लेंस है यहाँ पर कंडेंसर का, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ये आईपीस हो गए। ऐसे ही इसके अंदर ये एडजस्टमेंट है, दिस इज़ कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, इसे आपका जो स्टेज है ऊपर नीचे होता है, और ये आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसके अलावा इसके अंदर एक और ख़ासियत है इस माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके ऊपर जब स्लाइड लगाई जाती है तो ये बिल्कुल अच्छी तरह हम इसकी जो इसके ब्रैकेट हैं उसकी मदद से इसको फिक्स कर सकते हैं। एक बार स्लाइड फिक्स हो गई उसके बाद इसके भी मूवमेंट के स्क्रूज़ हैं दिए हुए, इससे हम स्लाइड को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट और आगे पीछे भी से कर सकते हैं। तो इसमें हर तरह की मूवमेंट दी गई है। तो ये आपका ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, इसकी मैंने आपको सारी फंक्शनिंग बताई। सिर्फ फ़र्क क्या है स्टूडेंट माइक्रोस्कोप से कि इसके अंदर लाइट का सोर्स दिया हुआ है, अंधेरे में भी हम काम कर सकते हैं। पर अगर हम स्टूडेंट माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके केस में हम लाइट से बगैर लाइट के काम नहीं कर सकते, या तो हमारे पास सनलाइट होनी चाहिए या फिर कोई ट्यूब वगैरह एलईडी इस तरह का कोई भी लाइट का सोर्स होना चाहिए। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप्स। थैंक यू।